वेलकम टू सिना कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, या इस चैप्टर का क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 6 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रॉयल्टी अकाउंट्स, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। और जो मैं क्वेश्चंस सॉल्व करते जा रहा हूँ, फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर एस एम शुक्ल का, साहित्य भवन पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, तो आपके पास करेंट बुक एडिशन हो या ओल्ड बुक एडिशन हो, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे मैच कर लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, ए लिस्ट अ कोलरी फॉर 20 ईयर्स, राइट। आपका क्या हुआ, कोलरी है जो लिया गया एक द्वारा 20 साल के लिए, मतलब 20 साल के लिए। द डेड रेंट वॉज आपका कितना है, 7,50,000। डेड रेंट को ही हम लोग मिनिमम रेंट के नाम से भी जानते हैं। तो मिनिमम रेंट या आपका डेड रेंट कितना हो गया आपका, 7,50,000, ठीक है। फिर बोलता है मर्जिंग इंटू अ रॉयल्टी ऑफ ₹40 पर टन ऑफ कोलरीज, और जो आपका लैंडलॉर्ड है वो लेसी से एक टन कोयला निकालने का कितना चार्ज करेगा, ₹40 पर टन, ठीक है। फिर बोलता क्या है, विद द राइट ऑफ रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग्स आउट ऑफ एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ऑफ टू सब्सिक्यूट ईयर्स फ्रॉम द पीरियड इन विच शॉर्ट वर्किंग अरोज। बात को समझिएगा, यही पे कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब है कि लैंडलॉर्ड के द्वारा आपका लेसी को शॉर्ट वर्किंग का क्या पावर दिया गया है, तो यहाँ पे बोलता है जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उसके अगले 2 साल, 2 सबसिक्यूंट ईयर, मतलब मान लेते हैं कि 2015 में शॉर्ट वर्किंग हुआ तो 16-17 में आप रिक्विप कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं 2016 में शॉर्ट वर्किंग हुआ तो 17-18 में रिक्विप कर सकते हैं। मान लेते हैं 2020 में शॉर्ट वर्किंग हुआ तो 21-22 में रिक्विप कर सकते हैं। मतलब जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उसके अगले 2 साल तक आप शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट अगर सरप्लस हुआ है तो रिक्विप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसिक्यूट 2 ईयर्स। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया 1 से लेकर 6 तक में, उसमें क्या बोलता है, जिस साल रॉयल्टी लिया उस साल से लेके अगले 3 साल तक 4 साल तक, इस तरह से था, यानी बेस को लेके चल रहा था। बात समझे, मतलब 2015 में लिए तो 2015 से लेके मान लेते 4 साल तक, तो 15, 16, 17, 18 वहाँ पे इस तरह से था, बेस से लेके चल रहा था, जिस दिन आपने रॉयल्टी लिया जिस साल उस साल से। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7 से, कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ उसके अगले 2 साल तक आप रिक्रूट कर सकते हैं। 2 साल रहे, या ऐसा मिल सकता है जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ उसके अगले 3 साल तक। तो इस तरह का आपका क्या है क्वेश्चन है, बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि लैंडलॉर्ड के द्वारा लेसी को रिकूपिंग का क्या पावर दिया गया है। तो उसके बाद क्या बोलता है, दी क्वांटिटी रेस्ट वेयर फर्स्ट ईयर कितना है 10,000, सेकेंड ईयर कितना है आपका 15,000, थर्ड ईयर 25,000, फोर्थ ईयर 15,000, ठीक है। आपका फर्स्ट ईयर 10,000 टन, सेकेंड ईयर कितना हो गया 15,000 टन, थर्ड ईयर आपका 25,000 टन, फोर्थ ईयर 15,000 टन, और फाइव ईयर कितना हो गया आपका 10,010 आपका निकाला गया है। बनाना क्या है, गिव लेजर अकाउंट नेसेसरी फॉर ईच ऑफ द 5 ईयर्स इन द बुक्स ऑफ लेसी, मतलब लेसी के बुक्स में जो नेसेसरी अकाउंट से वो क्या करें आप बना के दिखाएं, ठीक है। और आपका लेसी के बुक्स में जनरली 3 अकाउंट्स बनाते हैं, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में डिटेल्स में क्या किया समझा दिया है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या बना के दिखाऊंगा, एनालिटिकल टेबल। अगर एनालिटिकल टेबल बन गया इसका मतलब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद लेसी के बुक्स में जनरल इंट्रेस्ट बोले चाहे नेसेसरी अकाउंट्स बोले, वो आप खुद क्या कर सकते हैं आसानी से बना सकते हैं। नहीं जानते हैं क्वेश्चन 1, 2, 3 देख लीजिएगा, मैंने डिटेल्स में क्या किया सब कुछ बताया है। तो देखिए क्या लिखा है, सोल्यूशन नंबर 7, इन द बुक्स ऑफ कोलरी कंपनी, मतलब कौन है आपका लेसी, एनालिटिकल टेबल वही आपका होता है। 8 कॉलम्स क्या सफिशियंट है, आप चाहे तो 9-10 कॉलम्स बना सकते हैं, इट इज डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 8 कॉलम्स क्या सफिशियंट है। ईयर का हो गया
आउटपुट हो गया टन्स में, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी क्या है 40 रुपया पर टन, है ना, 40 रुपया पर टन। फिर आपका शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, अनशॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पेमेंट टू क्या है आपका लैंडलॉर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले क्या बोलता है फर्स्ट ईयर, सबसे पहले क्या बोलता है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में देखिए कितना टन्स निकाला है, फर्स्ट ईयर में कितना टन निकाला है आपका 10,000। फर्स्ट ईयर में कितना टन निकाला है आपका 10,000 टन निकाला है, ठीक है। मिनिमम रेंट कितना है, मिनिमम रेंट कितना है आपका 7.5 लाख, तो मिनिमम रेंट कितना हो गया आपका 7.5 लाख। अगर रॉयल्टी का बात किया जाए तो आपका 10,000 को 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए आपका मिनिमम रेंट 7.5 लाख और रॉयल्टी कितना है 4 लाख, तो 7.5 लाख में 4 लाख माइनस हो जाएगा तो शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया आपका 3.5 लाख, शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया आपका 3.5 लाख, सीधा सा बात है। अब बताइए शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड होगा नहीं होगा, आपका रिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग अभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका लैंडलॉर्ड कितना लेगा 7.5 लाख या 4 लाख, तो कितना लेगा आपका 7.5 लाख। आपका मिनिमम रेंट जितना उतना तो लेगा ही लेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लेगा, रॉयल्टी का अमाउंट कम रहेगा तो मिनिमम रेंट से कम लेने वाला नहीं है। तो कितना पेमेंट करेंगे आप लैंडलॉर्ड को 7.5 लाख, ठीक है जी। ये मेरा क्या हो गया बन गया, ये थोड़ा फोर है, थोड़ा आपका इंक जो है ना ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड ईयर का बात कर लेते हैं, हाँ तो आप समझिएगा, तो आपका फर्स्ट ईयर में क्या हुआ शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो आपका सेकंड और थर्ड ईयर में मतलब जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ अगले उसके अगले 2 साल तक बोल रहा है ना आपका अगले 2 सब्सिक्यूट ईयर, मतलब जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ उसके अगले 2 साल तक आप रिकूप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुआ तो सेकंड और थर्ड ईयर में इस अमाउंट को आप रिकूप कर सकते हैं। तो देख लेते हैं सेकंड ईयर का क्या कंडीशन है, सेकंड ईयर में आउटपुट कितना है देख लीजिए, फर्स्ट ईयर तो हो गया, सेकंड ईयर में कितना है 15,000, कितना है 15,000, ये तो आपका 7.5 लाख होगा, ठीक है। अब देखिए 15,000 गुना कितना हो गया 40, तो आपका हो गया 6 लाख, कितना हो गया आपका 6 लाख। अब बताइए फिर आपका क्या हुआ शॉर्ट वर्किंग हुआ, 7.5 लाख है मिनिमम रेंट, रॉयल्टी कितना 6 लाख, तो आपका 1.5 लाख है ना, 1.5 लाख क्या हो गया मेरा शॉर्ट वर्किंग हो गया। तो इसको भी क्या कर सकते हैं सेकंड ईयर वाला थर्ड और फोर्थ ईयर में क्या कर सकते हैं रिकूप कर सकते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे ये नहीं होगा और यहाँ पे कितना लेगा लैंडलॉर्ड, कितना लेगा आपका 7.5 लाख, तो कितना यहाँ पे पेमेंट कर देंगे लैंडलॉर्ड को 7.5 लाख। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए थर्ड ईयर, अब कौन सा ईयर आपका थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में कितना हुआ है 25,000 टन्स, तो थर्ड ईयर में लिख दीजिए 25,000 टन्स, और मिनिमम रेंट तो आपका कितना होगा 7.5 लाख होगा ना, मिनिमम रेंट कितना होगा आपका 7.5 लाख ही होगा, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दें, ठीक है। अब देखिए तो 25,000 इंटू कितना हो गया 40, आपका कितना हो गया 10 लाख आ गया जी, कितना आ गया आपका 10 लाख, ठीक है। आपका क्या हो गया 25,000 इंटू क्या हो गया 40, ठीक है 10 लाख। बताइए मिनिमम रेंट कितना है 7.5 लाख और आपका रॉयल्टी कितना आ गया 10 लाख, कितना सरप्लस हो गया 2.5 लाख, नहीं आपका 10 लाख है, 10 लाख में 7.5 लाख लेस कर देंगे तो सरप्लस कितना हो गया, देखिए मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे जो सरप्लस हो गया ना, यहाँ पे जो सरप्लस हो गया वो कितना हो गया, सरप्लस कौन से ईयर में हुआ, देखिए थर्ड ईयर में लिख देते हैं, ये भी मैं लिख ही देता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। थर्ड ईयर में सरप्लस कितना हो गया आपका 2.5 लाख, कितना हो गया 2.5 लाख। तो क्वेश्चन में क्या बोलता था कि 2 सबसिक्यूट ईयर, तो पहले फर्स्ट ईयर वाला देख लेते हैं, फर्स्ट ईयर वाला जो है उसको 2 सबसिक्यूट ईयर मतलब सेकंड और थर्ड ईयर में रिकूप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाला जो शॉर्ट वर्किंग है 3.5 लाख उसको सेकंड और थर्ड में रिकूप कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपका थर्ड ईयर में क्या हुआ है आपका सरप्लस हुआ है कितना 2.5 लाख, तो पहले ये वाला रिकूप कर सकते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाला सेकंड और थर्ड में आप रिकूप कर सकते हैं, ऐसा लैंडलॉर्ड के द्वारा लेसी को पावर दिया गया है। तो 3.5 लाख है ना, तो 3.5 लाख है लेकिन सरप्लस कितना है आपका 2.5 लाख ही है, तो आप मैक्सिमम कितना रिकूप कर सकते हैं 2.5 लाख, कितना रिकूप कर सकते हैं आप 2.5 लाख। तो यहाँ पर तो शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, शॉर्ट वर्किंग रिकूप कितना हो जाएगा आपका 2.5 लाख ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2.5 लाख। तो बात को समझिएगा, 3.5 लाख में 2.5 लाख क्या हो गया रिकूप हो गया, तो 3.5 लाख में 2.5 लाख रिकूप हो गया, तो अभी भी कितना बाकी रह गया 1 लाख,
कितना बाकी रह गया 1 लाख, और आपका सेकंड और थर्ड भी ना रिकूप कर सकते हैं पहला साल वाला, तो अब तो आने वाले साल में सरप्लस भी होगा, तो पहला साल वाला रिकूप आप कर सकते नहीं है, तो फाइनली क्या मान लीजिए लॉस हो गया 1 लाख, और इसको कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि पहला साल वाला सेकंड थर्ड, थर्ड में कितना रिकूप्ड हुआ 3.5 लाख में, 2.5 लाख रिकूप्ड हुआ, तो अभी भी बाकी कितना रह गया 3.5 लाख में आपका 2.5 लाख चला गया, कितना बाकी रह गया 1 लाख, अब तो रिकूप नहीं होगा क्योंकि दो ही आपका सबसिक्वेंट ईयर पावर दिया गया था, तो फाइनली कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड कितना लेगा आपका 7.5 लाख, लैंडलॉर्ड कितना लेगा 7.5 लाख, 10 लाख हुआ था लेकिन 2.5 लाख रिकूप्ड हो गया, तो मिनिमम रेंट 7.5 लाख है, तो उतना क्या करेगा आपका ले लेगा कौन, लैंडलॉर्ड। आई होप बातों को समझ गए होंगे। अब देखिए फोर्थ ईयर में क्या कंडीशन है, फोर्थ ईयर में क्या बोलता है, फोर्थ ईयर में 15,000 है जी, फोर्थ ईयर में कितना है 15,000 है ना, हाँ जी, फोर्थ ईयर में कितना है 15,000, तो 15,000 तो ये तो आपका मिनिमम रेंट होगा कितना 7.5 लाख होगा, सीधा सा बात है, तो आपका बोलता है 15,000 है ना, तो यही वाला 6 लाख होगा, कितना होगा आपका 6 लाख, कितना होगा आपका 15,000 को 40 से गुना करेंगे 6 लाख, तो फिर क्या आ गया शॉर्ट वर्किंग आ गया, तो 7.5 में 6 लाख माइनस हो गया, कितना शॉर्ट वर्किंग हो गया आपका 1 लाख, कितना शॉर्ट वर्किंग हो गया आपका 7.5 में 6.5 लाख हो गया जी, कितना शॉर्ट वर्किंग हो गया आपका 1.5 लाख। ठीक है, आपका 7.5 मिनिमम रेंट क्वालिटी 6 लाख, तो शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया आपका 1.5 लाख। अगर फोर्थ ईयर में अगर सरप्लस होता ना तो सेकंड ईयर वाला रिकूप कर सकते थे, लेकिन फिर क्या हो गया शॉर्ट वर्किंग, तो आप रिकूप कर सकते नहीं है। तो चलिए, तो आपका शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगा नहीं होगा, आपका अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग, आप ध्यान दीजिएगा जो सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुआ था, फर्स्ट ईयर वाला तो हो गया, जो सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुआ था, तो आप थर्ड और फोर्थ ईयर में आप क्या कर सकते थे, रिकूप कर सकते थे सेकेंड ईयर वाला कितना 1.5 लाख। ठीक है, तो आप थर्ड और फोर्थ ईयर में रिकूप कर सकते थे, लेकिन थर्ड फोर्थ ईयर में रिकूप नहीं हुआ, तो फाइनली अब क्या हो गया लॉस हो गया, तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे जो 1.5 लाख है ना, इसको क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपका फाइनली क्या हो गया आपका लॉस। ठीक है, क्योंकि सेकंड ईयर वाला 1.5 लाख जो 2 साल थर्ड फोर्थ में नहीं रिकूप हुआ, तो आपका कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सीधा सा बात है। और यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड कितना लेगा आपका 7.5 लाख, लैंडलॉर्ड कितना लेगा आपका 7.5 लाख। ठीक है, लैंडलॉर्ड कितना लिया आपका 7.5 लाख। अब देखिए फिफ्थ ईयर वाला बात कर लेते हैं, फिफ्थ ईयर में देखिए कितना है, फिफ्थ ईयर में कितना है आपका, फिफ्थ ईयर में 10,000 है, फिफ्थ ईयर में कितना है आपका 10,000, तो 10,000 लिखिए, यह तो आपका हो जाएगा 7.5 लाख। ठीक है, उसके बाद 10,000 को 40 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 लाख, कितना हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, तो देखिए 7.5 लाख मिनिमम रेंट, क्वालिटी 4 लाख, तो 7.5 में 4 जाएगा कितना बचेगा 3.5 लाख, तो फिर क्या हो गया शॉर्ट वर्किंग हो गया, कितना हो गया शॉर्ट वर्किंग आपका 3.5 लाख, कितना हो गया आपका 3.5 लाख। ठीक है जी, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड होगा नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है इसको क्या करें, ट्रांसफर कर दें, अब भी नहीं ट्रांसफर करेंगे, क्यों, क्योंकि फोर्थ ईयर में जो हुआ है, मान लेते 5 में नहीं हुआ, हो सके 6ठा वाला जो साल है उसमें रिकूप हो जाए, पचवा साल में जो शॉर्ट वर्किंग हुआ वो 6ठा 7वां में रिकूपडिंग हो जाए, सरप्लस होगा, तो यहाँ पे तो क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं ना है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर अभी नहीं करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर अभी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आने वाले साल में अगर आपका क्या होता है सरप्लस होगा तो रिकूप कर सकता है। तो यहाँ पर फाइनली इसको पेमेंट कितना कर दीजिए आप 7.5 लाख, कितना पेमेंट कर दीजिए आप 7.5 लाख। ठीक है, क्योंकि फोर्थ ईयर वाला 5 और 6 में रिकूप हो सकता है, 5 ईयर वाला शॉर्ट वर्किंग 6 और 7 में रिकूप हो सकता है, लेकिन आगे का डेटा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो 2 ट्रांसफर हुआ, थर्ड ईयर में हुआ कितना 1 लाख, और फोर्थ ईयर में कितना हुआ आपका 1.5 लाख। आई होप ये सारी बातों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप पहले क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको तुरंत क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेंगे सॉल्व करके बताएंगे। बाकी रहा इसमें नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेसी, रॉयल्टी, लैंडलॉर्ड और आपका शॉर्ट वर्किंग, वो मैंने बता दिया, आप खुद क्या करेंगे बना लेंगे। ठीक है, पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
हमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 का एनालिटिकल टेबल और आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है, ए कोलरी टुक अ कोल माइन ऑन लीज एट अ मिनिमम रेट ऑफ रुपीज कितना आपका 7.5 लाख। कहने का मतलब है एक आपका कोल माइन को लिया गया लीज पे और जिसका मिनिमम रेंट पर एनम कितना आपका 7.5 लाख। फिर बोलता है आपका रेट ऑफ रॉयल्टी इज 25 रुपीज पर टन और जो आपका एक टन कोयला निकालेगा तो लैंडलॉर्ड लेसी से कितना चार्ज करेगा 25 रुपीज पर टन। ईच ईयर्स शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूव्ड आउट ऑफ रॉयल्टी ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। क्या है आपका नेक्स्ट 3 ईयर्स, अरे जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उसके अगले 3 साल तक आप रिकूप कर सकते हैं, ऐसा लैंडलॉर्ड के तरफ से लेसी को पावर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है आपका पहला साल नील, पहला साल एक भी टन नहीं निकाला। ठीक है, दूसरा साल 6000 टन निकाला है, तीसरा साल 24,000 टन निकाला है, फोर्थ ईयर 60,000 टन निकाला है और फाइव ईयर कितना निकाला है आपका 45,000 टन निकाला है। अब बोलता है प्रिपेयर द शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाइए इन द बुक्स ऑफ कंपनी, मतलब लेसी फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना के क्या करूँगा दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखिए आपका सोल्यूशन नंबर 8 इन द बुक्स ऑफ कोलरी कंपनी लेसी एनालिटिकल टेबल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल बन गया मतलब क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। तो सबसे पहला साल देखिए लिखेंगे क्या हम लोग, क्या लिखेंगे फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में आउटपुट क्या है नील, फर्स्ट ईयर में आउटपुट क्या है नील, मिनिमम रेंट कितना है 7.5 लाख। आप नहीं निकालेंगे तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा आपसे नहीं लेगा पैसा, लेगा मिनिमम रेंट लेगा कितना 7.5 लाख, रॉयल्टी एक भी नहीं हुआ, शॉर्ट वर्किंग हो गया जी, कितना शॉर्ट वर्किंग हो गया 7.5 लाख। क्यों, क्योंकि आपने एक भी क्या किया रॉयल्टी नहीं किया, शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड अभी तो नहीं होगा आपका, रिकॉर्ड अभी नहीं होगा। क्या आप नहीं निकालेंगे तो क्या लैंडलॉर्ड पैसा नहीं लेगा, लेगा कितना 7.5 लाख, उससे आपका कम लेने वाला नहीं है, सीधा सा बात, नहीं निकालेंगे आपका गलती, आपका मतलब किसका लेसी का। फर्स्ट ईयर हो गया जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में देखिए, सेकंड ईयर में 6000 निकाला है, कितना टन्स निकाला 6000, मिनिमम रेंट तो आपका कितना हो जाएगा 7.5 लाख होगा, रॉयल्टी देख लेते हैं 6000 और आपका कितना है 25 रुपीज़ है, कितना 25 रुपीज़, तो 6000 को 25 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना जाएगा आपका 1.5 लाख, कितना आएगा आपका 1.5 लाख। ठीक है, आपका कितना हो गया 6000 को 25 से मल्टीप्लाई की कितना हो गया 1.5 लाख, तो मिनिमम रेट 7.5 लाख और वाइटी कितना 1.5 लाख, तो 7.5 लाख में 1.5 लाख आपका माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 6 लाख, तो 6 लाख मेरा क्या हो गया आपका शॉर्ट वर्किंग, 6 लाख क्या हो गया मेरा शॉर्ट वर्किंग। ठीक है जी, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड नहीं होगा, अनरिकूप्ड अभी नहीं ट्रांसफ़र होगा, फाइनली आपका लैंडलॉर्ड को कितना देना पड़ेगा 7.5 लाख। ठीक है जी, सेकेंड ईयर भी हो गया, थर्ड ईयर का बात कर लेते हैं, कौन सा ईयर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में कितना निकाल रहा है देख लीजिए 24,000 टन्स, तो लिखते हैं कितना 24,000 टन्स, ये तो आपका 7.5 लाख होगा मिनिमम रेंट। अब देखिए आपका 24,000 राइट, और उसके बाद कितना है 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना आ गया 6 लाख, कितना है आपका 6 लाख। ठीक है, तो 6 लाख है तो अभी भी क्या है शॉर्ट वर्किंग है, 7.5 में 6 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1.5 लाख, तो फिर 1.5 लाख क्या हो गया मेरा शॉर्ट वर्किंग हो गया, रिकूप्ड अभी होगा नहीं होगा, अभी क्या ट्रांसफ़र करें नहीं, 3 ईयर्स है मतलब पहला साल वाला जो सेकंड थर्ड फोर्थ तक लिखना है, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें 2 साल था, इसमें कितने साल है 3 साल, तो अभी 3 साल नहीं हुआ तो अभी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, तो आपका रिकूप्ड अभी नहीं ट्रांसफ़र होगा और ये तो 7.5 लाख ही क्या करेगा लेगा, कौन लैंडलॉर्ड। ठीक है, उसके बाद कौन सा ईयर कर लेते हैं फोर्थ ईयर, कौन सा फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर में कितना निकाल रहा है देख लीजिए 60,000, कितना 60,000, उसके बाद मिनिमम रेंट कितना हो गया आपका 7.5 लाख। अब देखिए 60,000 है ना, 60,000 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 लाख आया जी, कितना आया 15 लाख,
कितना है आपका 15 लाख, ठीक है। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट वर्किंग हुआ क्या नहीं हुआ, मिनिमम रेंट 7.5 लाख और आपका रॉयल्टी कितना गया 15 लाख, कितना सरप्लस हो गया 7.5 लाख, 15 लाख में 7.5 लाख माइनस हो जाएगा तो कितना सरप्लस हो गया आपका 7.5 लाख, तो 7.5 लाख आप रिकूप कर सकते हैं। तो देख लीजिए फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर 7.5 लाख, तो फर्स्ट ईयर वाला सेकंड थर्ड फोर्थ तक रिकूप कर सकते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स। तो देख लीजिए पहला साल वाला जो 7.5 लाख है और 7.5 लाख अमाउंट एकदम आपका क्या इक्वल हो जाएगा जी, तो 7.5 लाख क्या हो जाएगा आपका रिकूप्ड हो जाएगा। ये 7.5 लाख कौन रिकूप्ड हुआ है आपका, पहला साल वाला जो हो गया आपका रिकूप हो गया, और 7.5 लाख इत्तिफाक से 7.5 लाख शॉर्ट वर्किंग था पहला साल का और फोर्थ ईयर में सरप्लस भी कितना हुआ 7.5 लाख, तो आपका 7.5 लाख क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अभी ट्रांसफर होगा क्या और रिकूप शॉर्ट वर्किंग नहीं, सेकंड ईयर वाला भी थर्ड फोर्थ फाइव तक देखेंगे, 3 साल है ना, तो अभी आपका यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, तो 15 लाख में 7.5 लाख क्या हो गया रिकूप्ड हो गया, तो 7.5 लाख क्या होगा आपको मिनिमम रेंट का देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो लैंडलॉर्ड कितना ले लेगा आपका 7.5 लाख, 15 लाख में 7.5 लाख रिकूप्ड हो गया, 7.5 लाख आपको देना पड़ेगा। तो फोर्थ ईयर भी हो गया ना, हम लोग कौन सा ईयर बात कर लेते हैं, फिफ्थ, कौन सा, फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर में देख लीजिए, फिफ्थ ईयर में कितना है 45,000, कितना है आपका 45,000 फिफ्थ ईयर में है, तो ये आपका 7.5 लाख होगा, ये कितना होगा आपका 7.5 लाख। अब देख लीजिए 45,000 इंटू कितना हो जाएगा आपका 25, तो आपका ये देखिए 11,25,000 आया जी, कितना आया 11,25,000, ठीक है फिफ्थ ईयर में, तो 7.5 लाख मिनिमम रेंट है, तो 7.5 लाख क्या कीजिए लेस कीजिए, तो सरप्लस मेरे पास कितना बचा 3,75,000, फिफ्थ ईयर में 11,25,000 में 7.5 लाख मिनिमम रेंट का लेस कर देंगे तो सरप्लस कितना आया 3,75,000, तो ये 6 लाख है ना, ये वाला कर सकते हैं ना, सेकंड ईयर वाला जो है थर्ड फोर्थ फाइव है ना, नेक्स्ट 3 इयर्स, तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उसके अगले 3 साल, तो सेकंड ईयर वाला थर्ड फोर्थ फाइव में रिकूप हो सकता है, तो सीधा सा बात है, तो 6 लाख में 3,75,000 क्या कर सकते हैं आप रिकूप कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 लाख में पहले हम लोग क्या करें, रिकूप कर देना शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, ये वाला पहले क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं ना कितना रिकूप्ड हो जाएगा आपका 3,75,000, ठीक है ना, ये जो आपका हुआ ना इसमें से हुआ है सेकंड ईयर वाला में, सेकंड ईयर जो था आपका 6 लाख, तो 6 लाख तो नहीं होगा, सरप्लस कितना है 3,75,000, तो 6 लाख में 3,75,000 क्या हो गया रिकूप्ड हो गया ना, तो बचा कितना, बचा आपका कितना 2,25,000, तो ये सेकंड ईयर वाला थर्ड फोर्थ फाइव में रिकूप कर सकते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स, अब तो करने का पावर नहीं है, सीधा सा बात है आगे सरप्लस होगा तो भी सेकंड ईयर वाला, तो फाइनली कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 2,25,000 कहाँ ट्रांसफर हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 6 लाख में 3,75,000 लेस हो गया, बचा कितना 2,25,000, अब आप रिकूप का पावर नहीं है, तो फाइनली ट्रांसफर कहाँ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई होप आप सारी बातों को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे इसको कितना पेमेंट हो जाएगा लैंडलॉर्ड को 7.5 लाख, ठीक है जी। तो इस तरह से हो गया बन गया, अब इसके आगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जो आगे इन्फॉर्मेशन नहीं है 1.5 लाख जो है आप लगे सर 1.5 लाख वाला भी रिकूप कर दे, नहीं, ये जो थर्ड ईयर है ना 4, 5, 6 तक रिकूप होगा, थर्ड ईयर वाला 4, 5, 6 मतलब नेक्स्ट 3 इयर्स तक, अब 6 ईयर में सरप्लस होगा क्या होगा वो तो आने वाला चीज़ है, तो अभी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे थर्ड ईयर वाला शॉर्ट वर्किंग को। आई होप सारी बातों को आप समझ गए होंगे। पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आप इसका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स 5 साल के लिए बना के दिखाते हैं। अब मैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 का शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना के दिखाता हूँ। आपको पता है अकाउंट में 8 कॉलम्स होता है, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका एंट्री होगा, पहला क्या है आपका लिख लीजिए, आपका आउटपुट हुआ ही नहीं, तो क्या होगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, पहला एंट्री क्या होगा पहला साल का शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में क्या लिखे टू लैंडलॉर्ड, कितना आपका 7.5 लाख, कितना आपका 7.5 लाख, ठीक है। फिर मैंने क्या किया बाय बैलेंस सीडी 7.5 लाख, और फिर आ गया सेकंड ईयर में
सेकेंड ईयर ओपनिंग में टू बैलेंस बीडी कितना हो गया आपका 7.5 लाख, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर क्या हुआ, फिर आपका क्या हुआ है, शॉर्ट वर्किंग हुआ है कितना 6 लाख, रॉयल्टी कितना 1.5 लाख, इंट्री क्या हुआ होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 1.5 लाख, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट आपका 6 लाख, टू लैंडलॉर्ड कितना हुआ होगा 7.5 लाख। तो आपका हम लोग शॉर्ट वर्किंग बना रहे हैं तो टू क्या हो जाएगा मेरा लैंडलॉर्ड, और शॉर्ट वर्किंग कितना 6 लाख, तो आपका क्या हो जाएगा 6 लाख। ये बस आपका जनरल से पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग करते वो है, आप क्लास 11th में सीखे होंगे लेजर चैप्टर में, नहीं जानते प्लेलिस्ट अवेलेबल है लेजर का, जाकर आप देख सकते हैं। तो आपका हो गया 7.5 लाख और 6 लाख, कितना हो गया 13,50,000। तो बाई बैलेंस सी डी 13,50,000, तो आपका हो गया क्या थर्ड ईयर ओपनिंग टू बैलेंस बी डी 13,50,000, कोई दिक्कत नहीं। फिर थर्ड ईयर में क्या हुआ है, फिर शॉर्ट वर्किंग ही हुआ है। थर्ड ईयर में आपका रॉयल्टी 6 लाख और आपका क्या है मिनिमम रेंट कितना आपका 7.5 लाख, तो एंट्री क्या हुआ होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हुआ होगा कितना आपका 6 लाख, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 1.5 लाख और टू लैंडलॉर्ड कितना हुआ होगा 7.5 लाख। तो हम लोग शॉर्ट वर्किंग बना रहे हैं तो टू क्या हो जाएगा लैंडलॉर्ड, कितना शॉर्ट वर्किंग है आपका 1.5 लाख, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 1.5 लाख, तो 13.5 लाख, 1.5 लाख, 15 लाख। तो बाई बैलेंस सी डी और यहाँ क्या हो गया टू बैलेंस बी डी, फोर्थ ईयर को ओपनिंग में पहुंच गए। अब फोर्थ ईयर में देख लीजिए क्या हुआ, सरप्लस हुआ है जी, सरप्लस हुआ तो आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का खाता नहीं खुलेगा, तो टू लैंडलॉर्ड डेबिट में ही होगा। हाँ लेकिन क्या हुआ, रिकूप्ड हुआ है कितना 7.5 लाख। फोर्थ ईयर में क्या हुआ, रिकूप्ड हुआ है कितना आपका 7.5 लाख। तो रिकूप्ड का राइट ऑफ का क्या एंट्री होता है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, क्या होता है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो बाई क्या हो जाएगा मेरा लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना से 7.5 लाख से, ये राइट ऑफ का एंट्री हुआ, ठीक है जी। चलिए तो आपका 15 लाख में 7.5 लाख राइट ऑफ हो गया, तो बचा कितना 7.5 लाख। तो फिफ्थ ईयर को ओपनिंग में कितना हो गया मेरा 7.5 लाख, ठीक है। अब फिफ्थ ईयर में भी क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग तो हुआ नहीं है, शॉर्ट वर्किंग होता तो टू लिखते हम लोग लैंडलॉर्ड, नहीं हुआ छोड़ देंगे, सीधा सा बात है। तो 7.5 लाख, अब देखिए यहाँ पे रिकूप्ड हुआ है कितना 3,75,000, तो राइट ऑफ का एंट्री हो जाएगा, राइट ऑफ का एंट्री क्या हो जाएगा आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। तो भाई क्या हो जाएगा हमारा लैंडलॉर्ड कितना 3,75,000, ठीक है। अब देखिए जो शॉर्ट वर्किंग है वो आपका फाइनली कहाँ ट्रांसफर हो गया, कौन साल वाला, पहला साल वाला, पहला नहीं सेकंड ईयर वाला, सेकंड ईयर वाला फाइनली जो रिकूप्ड नहीं हुआ कहाँ ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। तो बाई मेरा क्या हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 2,25,000, ठीक है। उसके बाद 7.5 लाख में 3,75,000, 2,25,000 घटाने के बाद बाई बैलेंस सी डी कितना आया 1.5 लाख। तो आपका 1.5 लाख सी डी इधर कर दिए टू बैलेंस बी डी कितना 1.5 लाख। बोलेंगे सर शॉर्ट वर्किंग का ये 1.5 लाख जो डेबिट बैलेंस आ रहा है किस इसका है, देखिए तो आपने क्या किया ना, आपने क्या किया, ये जो था ये जो क्या रिकूप्ड हो गया, ठीक है, इसमें क्या हुआ रिकूप्ड हुआ और कुछ पैसा क्या हो गया पी एल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये 1.5 लाख तो भी बचा हुआ है ना। थर्ड ईयर वाला जो शॉर्ट वर्किंग है कितना है आपका 1.5 लाख, जो आपको थर्ड ईयर वाला कब आप रिकूप कर सकते हैं, थर्ड ईयर वाला आप कर सकते हैं 4, 5, 6, है ना, थर्ड ईयर वाला 4, 5, 6, नेक्स्ट 3 ईयर्स था ना क्वेश्चन में, क्या था नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो थर्ड ईयर जो शॉर्ट वर्किंग हुआ 4 में नहीं हुआ, ठीक है, 5 में नहीं हुआ, हो सके 6 में हो जाए, तो उसका बैलेंस क्या होगा आएगा, तो ये जो है ना 1.5 लाख आपका यही वाला बैलेंस क्या है आपका आ रहा है, यहाँ सी डी है और यहाँ क्या हो गया आपका बी डी। तो ये जो 1.5 लाख जो आपका थर्ड ईयर वाला अभी रिकूप नहीं हुआ है, क्योंकि एक साल और मेरे को देखना है इसी का क्या हो रहा है बैलेंसिंग आ रहा है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का कितना आपका 1.5 लाख, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बन के तैयार हो गया। आप पहले क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने सॉल्यूशंस हैं बहुत जल्द उसका वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं, थैंक यू।